आज है 8 अप्रैल और आज के इस एक और वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी गैस लिमिटेड के बारे में। 863 रुपये पे स्टॉक ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दे रहा है, लगभग 5% की तेज़ी है आज यहाँ पे, माप कीजिएगा बीते ट्रेडिंग दिनों में। सो गाइस, इस अभी जो है, मैं जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से सबसे ज़्यादा अगर कोई पीटा है तो अडानी का यही स्टॉक लगता है मुझे पीटा हुआ है। वॉल्यूम अच्छी खासी ट्रेड हो रहा है यहाँ पे देखने को, जैसे कि हमें मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पे बिकवाली के बीच और यहाँ पे जो थोड़े थोड़े जो करेक्शंस हो रहे हैं इसमें, और थोड़ा सा जो शेयर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो ये जो प्रयास है, क्या ये प्रयास लॉन्ग टर्म के लिए है, क्या आगे हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, और शेयर अभी भी हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे जो है न्यूज़ और फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एक महीने की बात करूंगा, दो बड़े पिरामिड यहाँ पे बने हुए हैं, लगभग सेम प्राइस पे स्टॉक है, ना ज़्यादा तेज़ी है, ना इसमें गिरावट है, ना ज़्यादा तेज़ी है। तो लगभग ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर उससे भी नीचे आया, और फिर से अभी यह स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है। देखिए, जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये 4000 रुपये के लगभग पे ट्रेड कर रहा था, और जब ये आया तो इसमें गिरावट, बहुत भयंकर गिरावट हुआ, 675 रुपये के आसपास ये स्टॉक चला गया। देखिए तो जब से आया ऊपर, ये ऊपर नीचे हो रहा है, एक बार ऊपर जाता है 1000 रुपये आता है, फिर 700 रुपये आता है, फिर ऊपर जाता है 800 रुपये, और अभी ये स्टॉक 845 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। देखिए थोड़ा अब डिस एडवांटेजेस हो गया, अब थोड़ा एडवांटेजेस की बातें भी कर लेते हैं। तो अडानी गैस ने बहुत लोगों को भैया करोड़पति बना दिया बहुत ही जल्दी। 300-350 रुपये का ये शेयर था वो 15 जनवरी 2021 में, और ये ट्रेड होते 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 2022 के लास्ट तक लगभग 4000 रुपये पे पहुंच गया था। तो ये काफ़ी बहुत बड़ी रैली देखने को मिला और बहुत फ़ायदा उठाया लोगों ने इसका। हालांकि जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। फिर देखिए वॉल्यूम की मैं बात करूँगा तो 9 लाख का जो वॉल्यूम था, जो बहुत ही कम कहूँगा इस स्टॉक के लिए, भी पहले बहुत ज़्यादा में ट्रेड होता था। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस स्टॉक के साथ। देखिए अकॉर्डिंग टू मंडी कंट्रोल यूजर यहाँ पे 100% लोग बाइंग की बात कर रहे हैं, बट अगर मैं फंडामेंटली की बात करूँ, पिछले 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की जो रैली इसमें आई है, उस अगर मैं रैली की बात करूँ और उसके जो नंबर से मैं कंपेयर करूँ रैली की, तो उसमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली, और खास करके उस हिसाब से तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है जो ये सारी बातें रिपोर्ट में कही गई थी। देखिए नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से इनके जो नंबर्स बढ़े हैं ना, आप जो इनका नेट प्रॉफिट देख लीजिए, 2018 में 164 करोड़ था और फिर 228 करोड़ हुआ, और जब से ये स्टॉक भागने हुआ स्टार्ट हुआ था, यानी कि 2021 से 471 करोड़ पे ये था स्टॉक, और 471 करोड़ से 2022 तक 504 करोड़ प्रॉफिट हुआ था। बट ये डबल भी नहीं हुआ है, डबल तो छोड़िए, कम से कम इसमें 20-30 करोड़ का ही इंक्रीजमेंट होगा, और जो शेयर प्राइस था, शेयर प्राइस तो इनका 10-20 गुना हो गया था, कहाँ 300 और कहाँ पे 4000। तो ये डिफरेंस है जो रिपोर्ट में भी हम लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया गया था, बट निवेशकों को यहाँ पे फ़ायदा हुआ ज़रूर है, और देखिए जितना फ़ायदा हुआ उस हिसाब से उनका करेक्शन भी हुआ और एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। क्वार्टर बाय क्वार्टर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वार्टर बाय क्वार्टर भी कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है, 81 करोड़, 138 करोड़, 160 करोड़, 150 करोड़, यही है जो पिछले साल का पूरा है, जो पूरे क्वार्टर वन क्वार्टर का जो प्रॉफिट है। बट जो इनका जो क्या बोलते हैं शेयर प्राइस का जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मूव हो गया था। देखिए जहाँ तक मैं बात करूँगा बिज़नेस की, तो इस फील्ड में अडानी गैस, जो अडानी है वो गैस वाले सेक्टर में नई बिज़नेस है, अभी जो इनका बहुत ही कम जगह पे इनका बिज़नेस चल रहा है, बट आने वाले टाइम पे ये बढ़ाएगी, कंपनियाँ अपना एरिया बढ़ाएगी और ये और भी स्टेट में एक्सपैंड कर सकती है बिज़नेस। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि अभी इसके बाद बहुत ही जो गैस का जो प्राइस था वो एक सर्टेन टाइम पे बढ़ता या घटता था, लेकिन अब मतलब किसी भी टाइम, मतलब हर मंथली या प्राइस घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। तो अगर प्राइस वाली जो चीज़ है ना, वो इस बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि लोग एक दूसरे की जगह शिफ्ट होते दिखेंगे, प्राइस अगर ऊपर नीचे होता है सिलेंडर्स के, तो वो गैस के तो एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो यूज़र्स है, यूज़र्स के लिए बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है डिसीजन लेने में कि प्राइस ऊपर नीचे ड्रॉप होते हैं। तो देखिए जो भी बातें हो रही है, लगभग जो इनसाइडर जो है, जितने भी इनसाइडर यहाँ पे हुए हैं, जो इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करूँ, तो सारे बिकवाली के हैं, कंपनी ने मतलब जो भी है वो बिकवाली के ही है, जितने भी इनसाइडर हुए हैं लगभग इस साल मिला करके।
और जहाँ तक डिविडेंड की बात करूँ तो अडानी स्टॉक से डिविडेंड का तो एक्सपेक्टेशन रहता ही नहीं है, वो डिविडेंड पे करती नहीं है। बट 14 जुलाई 2022 को इन्होंने 25 पैसे का डिविडेंड दिया था, जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं सकते, और अडानी को डिविडेंड पेइंग स्टॉक किसी भी स्टॉक में कंसिडर नहीं किया जाता। देखिए जहाँ तक मैं बात करूँगा जो डिविडेंड की, तो डिविडेंड ये पे करता नहीं। पी रेशियो को देखेंगे, यहाँ पे 180 का पी रेशियो है और सेक्टर पी जो है वो 16 रुपये का है। तो सोच लो आप यहीं पे कि आपको करना क्या है। वह 180 का पी जो इतना स्टॉक गिर चुका है उसके बावजूद भी, देखो तो थोड़ा बहुत नहीं, मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से ये इसको बहुत बड़ा महंगा कह सकते हो इसको। सेक्टर पी 20 है और भले ये स्टॉक कितना भी गिर के 4000 वाला आपको 800 में मिल रहा है, तो भैया यहाँ से तो ना कहीं तो कंपनी में दिक्कत लगती ही लगती है, अगर मैं जेन्यून आपको बताऊँ तो। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँगा, जो शेयर पैटर्न होल्डिंग है यहाँ पे 74.80% यानी कि 74.80% जो है प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 0.13% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 5.97 है, फॉरेन 17.25% है। रिटेल और अदर की मैं बात करूं, रिटेल बंदे ज़्यादा नहीं है, 1.86% यहाँ पे रिटेल लोग हैं। और देखिए एलिगेशन तो यही लगे हुए ना, जो फॉरेन के एंटिटीज है जो वो बंदे FIS कंपनी में ज़्यादा है, और इंडिविजुअल इनका जो है ना जो इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन वाले लोग हैं उनका अडानी में ही है, उनका डाइवर्सिफाई भी नहीं किया हुआ है, तो एलिगेशन तो यही है। देखिए अगर मैं इसको डिटेल में अगर समझूँ तो जो विनोद अडानी वाला केस था, जो FIS थे मोरिसिको बेस, वो बंदे कहीं ना कहीं इसमें इसका लिंक था और इसमें पैसे लगाए हुए थे और इनका वैल्यूएशन बढ़ा रहे थे। तो अगर ये सेबी का जो नियम था शेयर जो डिनाई करता है और कि जो शेयर मैनिपुलेशन का जो रूल है वो सीधा इसी जो एलिगेशंस लगे हुए इनके ऊपर वो यही लगा हुआ है, शेयर मैनिपुलेशन जो बिल्कुल इलीगल है इंडिया में। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो यहाँ पे मेन है, जो अडानी का ब्रह्मास्त्र है, मैं कहूँगा ब्रह्मास्त्र, क्योंकि जो म्यूचुअल जो इनका FIS है, मतलब जो इनका प्रमोटर है, प्रमोटर तो ये बेचने से रहे, म्यूचुअल फंड बहुत ही छोटी क्वांटिटी है वो बेचेंगे नहीं, डोमेस्टिक में बैंक्स वगैरह है, LIC वगैरह है, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि वो लोग निकलेंगे इतने कम वैल्यूएशन पे। अब यहाँ पे आ गया फॉरेन तो बेचने से रहे, मुझे नहीं लगता कि FIS यहाँ से निकलेंगे। और रहा रिटेल बंदा जो है वो 1.86% में, और लोगों के पास इतना कम रहेगा स्टॉक तो इतनी तेज़ी से स्टॉक बढ़ता ही नहीं है, वो दूसरे के पास है और उनका इसमें मैनिपुलेशन किया जा रहा है, इसलिए इसमें नंबर देखने को मिल रहा है। देखिए जो यहाँ पे रिटेल बंदे 1.55% पे बैठे हुए ना, अगर ये 15-16% के करीब रहता ना तो ये बढ़ता ही नहीं, क्योंकि लोग इसमें बढ़ने ही नहीं देते, हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होता है एक बड़े क्वांटिटी पे, और यही एक रीज़न है जिसके रीजन से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया और नीचे भी नहीं होगा, बिकवाली भी आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कौन बेचेगा, कोई बेचेगा ही नहीं ऊपर वाले, और नीचे वालों के पास है ही नहीं जो बेचेंगे। देखिए जो आने वाले दौर पे देखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, खास करके कि क्या करते हैं लोग, 20-25% अगर रिटेल के पास जाता है तो देखते हैं कि स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि वही एक मेन तरीका है, रिटेल बंदा के पास है ही नहीं, रिटेल कुछ कर ही नहीं सकता, तो और जो है वो बेचेंगे ही नहीं, वो प्राइस ऊपर जाएगा ऊपर जाते रहेगा और नीचे वो आने देंगे ही नहीं, क्योंकि बिकवाली होगा नहीं और सप्लाई और डिमांड का जो गेम है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से खेलेंगे। तो जहाँ तक फ्रेश बाइंग के रिकमेंडेशन है, जब फ्यूचर में जब अच्छे न्यूज़ आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी इस टाइम पॉइंट ऑफ व्यू पे पी रेशियो को देखते हुए और कंपनी के जो एलिगेशंस लगे हुए उसके ऊपर देखते हुए मैं कहूँगा आप इसे कम्प्लीटली अवॉइड करो। देखिए लॉन्ग टर्म में आप इस पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि गैस में काफ़ी कुछ हो सकता है, ऐसी और भी कंपनियां हैं जिस पे आप नज़र रख सकते हैं, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है 77 रुपीज़ का शेयर है, गेल इंडिया भी है 105 रुपये का शेयर है, और एक ONGC भी है। तो कैसे अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी एक पे मैं अगर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी हिट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।